आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter पेज को भी फॉलो करें। गुमला जिला नस्कलियों का गढ़ कहलाने वाला डुमरी जारी और चैनपुर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं ने भारी उत्साह के साथ वोटिंग की। गुमला जिला नक्सलियों का गढ़ कहलाने वाले डुमरी जारी और चैनपुर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं ने भारी उत्साह के साथ वोटिंग की। सिविल, तबेला, कुरुमगढ़ सहित अन्य घोर नक्सल प्रभावित इलाकों के जिन घनी जंगलों के बीच कभी दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, पुलिस नक्सल मुठभेड़ के कारण ग्रामीण अक्सर डरे सहमे रहते थे, वहां पर आज लोकतंत्र की ताकत और गांव की सरकार के गठन का जज्बा सचमुच देखने लायक था। भारी संख्या में पुरुष, महिला, वृद्ध और युवाओं ने जिस उल्लास के साथ मतदान में शिरकत की, वह अपने आप में मिसाल है। डुमरी में 60.63, जारी में 63.14 और चैनपुर में 60.12% मतदान रिकॉर्ड किए गए। मतदान के क्रम में वोट देने आए ग्रामीणों ने दो टूक लहजे में कहा कि गांव में अच्छी सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम बुनियादी सुविधाएं अपने गुणवत्तापूर्ण स्वरूप में हासिल हो सके, इसके लिए हम लोग वोट डाल रहे हैं। सही मामले में विकास का असली चेहरा इसी चुनाव के दौरान तय होगा। यहाँ पर नौ जगह यहाँ पे इलेक्शन कराया जा रहा है, इसमें सभी दूर दूर से गांव से, घोर विवाद क्षेत्र से, कोचागानी, केरागानी वगैरह से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर महिलाएं बड़ी बढ़ चढ़ के सुबह से ही अपने सरकार चुनने में अपना योगदान निभा रही हैं और ये घोर विवाद होने के कारण इसके पूर्व में हमारे पुलिस विभाग ने यहाँ बहुत मेहनत किया है और वादियों पर संकल्प लगाया गया है और यहाँ पर जितने लोग अपने गांव की सरकार चुनने के लिए सभी लोग बहुत अपने तन मन से अपना योगदान दे रहे हैं और सुखद संदेश यह है कि लोगों में जागरूकता है जिससे विकास, गांव में विकास होगा और उससे विवाद का पूर्ण और अच्छे से चल रहा है। सारे ग्रामीणों को भी इन्फॉर्म किया गया है कि आकर के अपना मत जरूर दें। सर कब है? ये सब पुरानी बातें हैं, वक्त बदलता रहता है, आज वक्त बदल गया है, आज ग्रामीणों का समय है, इसलिए लोग खुशी खुशी आते हैं और अपना मतदान दे रहे हैं। आप लोग सर यहाँ मतदान करा रहे हैं, किसी प्रकार का भय वगैरह या डर है? बिल्कुल नहीं। और कैसे लोग को जिताइएगा? कैसे लोग को जिताएं सर? वोट तो मारिए रहे हैं, जो भी जीते। क्या सोच कर वोट दे रहे हैं? गाँव सब तो विकास करेगा, रोड फोड बनवाएगा, गाँव विकास होगा, बहुत राशन कार्ड सब बनेगा। नरेंद्र महतो वोट मारने के लिए आए हैं पंचायत में, वही विकास होगा तो मेरा गांव विकास करेगा बोल के। वहीं चुनाव के क्रम में पुख्ता प्रशासनिक इंतजाम किए गए थे। इधर SDPO मनीष चंद्र लाल ने कहा कि इस बार के चुनाव में ग्रामीणों का उत्साह पूर्वक लोकतंत्र पर्व में भाग लेना बड़े बदलाव का सूचक है। स्थानीय सरकार को प्रशासन हर संभव सहयोग करेगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।